Hello students, hope all of you are well. So today we will start with a very small topic of our abstract algebra in our engineering syllabus, that is the subgroup. Basically I want to say all these lectures for the abstract algebra are for only for the engineering students, especially for the computer science and IT students. If you want to learn more about abstract algebra, then follow my notes for the mathematics honors. Clear? So let us start with our topic. तो subgroup किसे कहेंगे? Subgroup is nothing but suppose हमारे पास एक group है G not be any group and we are taking a subset of the set capital G. The subset must be a non-empty set. Then that subset capital H is said to be a subgroup of the group G not if H not forms a group. That means that जो subset हम लोग non-empty subset जो हम लोग ग्रुप से चूज करते हैं और ग्रुप के ऊपर जो कंपोजिशन डिफाइंड है, अगर प्लस डिफाइंड होगा तो प्लस के रेस्पेक्ट में एच को ग्रुप फॉर्म करना है, अगर डॉट डिफाइंड है तो डॉट के रेस्पेक्ट में एच को ग्रुप फॉर्म करना है. तो जी जो कंपोजिशन को लेके ग्रुप फॉर्म करता है, सेम कंपोजिशन एच के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और एच भी क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा अलग से. तो एच क्या होता है, जी का सबसेट है, वो फिर से ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग उसको कहते हैं सब ग्रुप. तो सब ग्रुप में पहला जो कंडीशन है, ये तुम लोग को मैं बताना चाहता हूं, इसका थ्योरम है, मैं थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं दिया है यहां पे, मैं तुम लोग को सिंपली ये बताना चाहता हूं, ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट रहता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर भी रहता है और वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है. ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थ्योरम है. ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. ठीक है, तो अभी चलते हैं, अगर कोई भी सबसेट है हमारे पास और हम लोगों को प्रूफ करना है ये सब ग्रुप है कि नहीं है, तो वो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. उसके लिए हम लोगों को नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन जानना बहुत ही जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट वी विल लर्न हियर. ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी If and only if A belongs to H, B belongs to H, imply A compose B inverse belongs to H. तो ये टेस्ट है एक सिंगल स्टेप टेस्ट. सब ग्रुप चेक करने के लिए दूसरा एक टेस्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डबल स्टेप टेस्ट. और यहां पे मैंने सिंगल स्टेप टेस्ट को पहले प्रूफ किया है, उसके बाद मैं डबल स्टेप टेस्ट को तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन ये टेस्ट एग्जाम में आता है इसीलिए हम लोग को इसका प्रूफ जानना जरूरी है. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई सबसेट सबग्रुप हो रहा है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाई ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. एंड इफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट इज ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाई ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन दैट सबसेट विल फॉर्म ए सब ग्रुप. ठीक है, तो पहले हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एच नॉट जी का एक सब ग्रुप है. तो अगर जी का कोई सब ग्रुप होगा तो ये हम लोग देख सकते हैं, सब ग्रुप होगा तो ग्रुप का तो सभी प्रॉपर्टी सब ग्रुप के अंदर भी है, सब ग्रुप है तो क्या है, ग्रुप तो है ना. तो सब ग्रुप अगर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, इनवर्स भी रहेगा उसके अंदर, आइडेंटिटी भी रहेगा, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा. तो अगर हम लोग दोनों एलिमेंट चूज करते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन हम लोग कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. एच तो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप अगर है तो वो खुद से एक ग्रुप है. तो अगर खुद से कोई एक ग्रुप होता है तो कोई भी एलिमेंट का इनवर्स उसी के अंदर रहता है. तो बी अगर एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच के अंदर रहेगा. अगर हम लोग इसको सब ग्रुप कह रहे हैं तो सब ग्रुप का पहला कंडीशन होगा ये ग्रुप होना चाहिए. तो ग्रुप का पहला कंडीशन होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली एच नॉट बी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. तो ए एच के अंदर है, बी इनवर्स एच के अंदर है, तो दोनों को कंपोज कर दो तो वो कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एक लाइन का सिंपल सा एक स्टेटमेंट है. तो अगर सब ग्रुप हो रहा है तो ये कंडीशन को ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सली हम लोग पकड़ेंगे कि एच बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, फ्रॉम देयर वी विल शो दैट एच इज ए सब ग्रुप और नॉट. सो वी आर एश्यूमिंग दैट कैपिटल एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी ऑन व्हिच ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाई ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ओके, so if a belongs to h, b belongs to h, imply a not b inverse belongs to h, ये सभी एलिमेंट के लिए हो रहा है तो हम लोग ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. देखो पहले मैंने क्या किया है, मैंने
एक ही लाइन बार बार लिखा है, ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, क्यों लिखा है अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, तो ए नॉट बी इनवर्स क्या होता है, बिलोंग्स टू एच होता है। तो ए नॉट बी इनवर्स का मतलब बी के जगह पे यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ए ई है, खुद ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन ए नॉट ए इनवर्स विल बी बिलोंग्स टू एच। अभी ए नॉट ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा। तो यही बात मैं तुम लोग को पहले ही बताया हूं, ठीक है। तो ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो कहां पे रहता है, एच के अंदर रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ई बिलोंग्स टू एच, सो एच कंटेन्स द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ई एच का एक एलिमेंट हो चुका है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे ई बिलोंग्स टू एच और ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एच। तो अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो इसको कंपोज करेंगे ये कंडीशन से। तो कंडीशन क्या था, ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, कंडीशन का हेल्प लेके हम लोग लिखेंगे ऐसे। तो ई नॉट ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, ए इनवर्स हो जाता है, तो ए इनवर्स कहां पे चला गया, एच के अंदर चला गया। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर कोई एलिमेंट हम लोग एच से चूज कर रहे हैं उसका इनवर्स भी कहां पे रहेगा, एच के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन एच, ठीक है, हो गया। अभी चले आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच। जब भी हम लोग कह चुके हैं इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, बी अगर एच का कोई आर्बिट्री एलिमेंट होगा तो बी इनवर्स भी कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा। हम लोग तो प्रूफ कर चुके हैं ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच है, तो बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच अगर एच के अंदर है तो ए बिलोंग्स टू एच है, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अगेन बाय कंडीशन हम लोग कह सकते हैं ए नॉट बी इनवर्स का होल इनवर्स। कंडीशन क्या था, देखो ए था, नॉट था, बी इनवर्स था, तो यहां पे बी इनवर्स है हमारा सेकंड एलिमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, ए नॉट बी इनवर्स का होल इनवर्स कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा। बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, बी होता है, तो ए नॉट बी कहां पे चला गया, एच के अंदर चला गया। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग देख सकते हैं एच क्लोज्ड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉट। तो यहां पे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी का प्रूफ किया है, यहां पे इनवर्स का प्रूफ किया है, यहां पे आइडेंटिटी का प्रूफ किया है, और ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिविटी। तो एच हम लोग कहां से चूज कर रहे हैं, एच हम लोग जी से चूज कर रहे हैं, और जी के ऊपर नॉट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई एक रूल तुम्हारे क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और मैं वहां से 10 स्टूडेंट्स को चूज कर रहा हूं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो रूल वो 10 स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सेम बात होता है यहां पे, जी के ऊपर नॉट एसोसिएटिव है, तो एच जी का एक सबसेट है, तो एच के ऊपर भी क्या हो जाएगा, वो एसोसिएटिव हो जाएगा। एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑल दिस प्रॉपर्टीज व्हिच आर सेटिस्फाइंग ऑन ए लार्जर सेट ऑल्सो सेटिस्फाई ऑन ए स्मॉलर सेट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द लार्जर सेट, दैट इज सिंपली ऑन द सबसेट। इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एच नॉट के ऊपर भी सेटिस्फाई होगा। तो एच नॉट क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, क्योंकि क्लोज हो रहा है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, और क्या है, एसोसिएटिविटी है। तो एच नॉट ग्रुप हो रहा है, तो एच नॉट जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये जो टेस्ट मैंने बताया है ये बहुत ही एक पावरफुल टेस्ट है, और ये होता है सिंगल स्टेप टेस्ट। सिंगल स्टेप टेस्ट से हम लोग एच को सब ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं। अभी दूसरा टेस्ट मैं यहां पे तुम लोग को बताऊंगा, वो होता है डबल स्टेप टेस्ट, लेकिन इसको मैंने यहां पे प्रूफ नहीं किया है क्योंकि ये एग्जाम में कुछ आता नहीं है, लेकिन यहां से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसको। सो स्टेप सेज दैट एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच नॉट विल बी ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए नॉट बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो तुम लोग देख सकते हो यहां पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स दिस टेस्ट इज नोन एज ए टू स्टेप टेस्ट। तो पहला कंडीशन ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कंडीशन ये है कि इनवर्स। अगर दोनों एलिमेंट हम लोग एच से चूज करेंगे और उसका क्लोज्ड होके वो एलिमेंट एच के अंदर रहेगा, और कोई भी एलिमेंट का अगर इनवर्स एच के अंदर रहेगा, तो ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके कह सकते हैं कि एच क्या होगा, एच जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चले आते हैं। ये थ्योरम तुम कह सकते हो कि एग्जाम के लिए 90% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कितना टाइम्स एग्जाम में आया है ये तुम लोग एग्जाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फॉलो करके तुम लोग को पता चल जाएगा।
इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर जी एक ग्रुप है और हम लोग दो सब ग्रुप वहां पे चूज कर रहे हैं तो उस दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, से एच एन के बी टू सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप क्रिएट होगा। तो अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के ऊपर ये दोनों कंडीशन भी एप्लीकेबल है और ये सिंगल स्टेप का कंडीशन भी एप्लीकेबल है जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। अगर सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी सब ग्रुप होता है। तो एच और के अगर दोनों सब ग्रुप है तो एच और के ऊपर भी वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक लाइन हम लोग करेंगे, उसके पहले एच के दोनों सब ग्रुप है और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी तुम लोगों को बताया है कि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सब ग्रुप के अंदर भी रहता है। तो एच के अंदर भी जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, के अंदर भी जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि एच और के जी का दोनों सब ग्रुप है। तो एच इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर ये सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो हम लोग कह सकते हैं ये ऑटोमेटिकली सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप जो सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट से आता है। अगर एच इंटरसेक्शन के नॉट इक्वल टू सिंगल टोन सेट ई, इसका मतलब ये है, नॉट इक्वल टू सिंगल टोन सेट ई का मतलब ये है कि यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के और कुछ एलिमेंट यहां पे है। तो हम लोग कर रहे हैं यहां पे ए बी दोनों एच इंटरसेक्शन के का कोई दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही, उसके बाद भी कुछ और एलिमेंट है, इसका मतलब ये होता है नॉट इक्वल टू सिंगल टोन सेट ई। ठीक है, तो लेट ए कोमा बी बी टू एलिमेंट्स ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो अगर ये दोनों ही एलिमेंट है एच इंटरसेक्शन के का, तो ए बी दोनों एच के अंदर भी है, ए बी दोनों के अंदर भी है। अभी एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, और ए बी क्या है, एच के अंदर है। तो अगर ए बी एच का एलिमेंट है और एच सब ग्रुप है तो ए नॉट बी इनवर्स भी कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ द सफिशियंट कंडीशन, नेसरी कंडीशन। सब ग्रुप होगा तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, नेसरी कंडीशन ही है। तो नेसरी कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं कि ए बी एच के अंदर है तो ए नॉट बी इनवर्स भी एच के अंदर है, ए बी के अंदर है तो ए नॉट बी इनवर्स भी के अंदर है। तो हम लोग यहां से क्या देख सकते हैं, ए बी दोनों एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट था और ए नॉट बी इनवर्स कहां पे चला गया, एच इंटरसेक्शन के अंदर चला गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि सफिशियंट कंडीशन क्या कहता था, यहां पे सफिशियंट कंडीशन कह रहा है कि अगर ये कंडीशन कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सबसेट क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। देन वी कैन कंसिडर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट हियर वी कैन सी ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, हेंस बाय सफिशियंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप एच इंटरसेक्शन के बिकम्स ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट तो इंटरसेक्शन के लिए है, तो ये स्टेटमेंट क्या यूनियन के लिए भी सेटिस्फाई होगा, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। ये स्टेटमेंट यूनियन के लिए सही नहीं है, दैट मीन्स इफ यू टेक एनी टू डिफरेंट सब ग्रुप फ्रॉम ए ग्रुप देन देयर यूनियन मे और मे नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। क्लियर। नाउ दैट कैन बी evident from the following example. So we are considering a group z comma plus set of all integer with respect to addition. तुम लोग जानते हो ये group form करता है। अभी हम लोग दो सब ग्रुप चूज करेंगे, एक होता है 2z comma plus, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे even integers है वो 2 का multiple है, और यहाँ पे k equals to 3z comma plus है, यहाँ पे जो सब ग्रुप मैंने चूज किया है वो 3 का multiple है, ठीक है। यहाँ पे h और k दोनों ही g का सब ग्रुप है, both are सब ग्रुप ऑफ g. Now you can see that 2 must be an element of H. So 2 अगर H के अंदर है तो 2 तो H union K के अंदर भी जाएगा। H union K क्या है? H का element, K का element, सभी को एक साथ ले लो। तो 2 H के अंदर है तो इसका मतलब 2 belongs to H union K. 3 K के अंदर है तो इसका मतलब 3 belongs to H union K. अभी addition के respect में group हो रहा है। तो अगर union जो है ना H union K को अगर subgroup होना है तो H union K भी plus के respect में closed होना चाहिए। एडिशन के रेस्पेक्ट में वो ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे 2 देखो एच यूनियन के अंदर है, 3 भी एच यूनियन के अंदर है, बट इफ यू टेक 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 5 डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के। वाई? बिकॉज एच यूनियन के कंटेन द टर्म्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, बट देयर इज नो टर्म व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऑब्वियसली वी कैन सी फ्रॉम हियर 5 डज नॉट बिलोंग टू एच यूनियन के, हेंस एच यूनियन के इज नॉट क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू प्लस, therefore it is not a subgroup of G. तो हम लोग कब कह सकते हैं कि यूनियन सब ग्रुप होगा?
तो हम लोग तो देख सकते हैं ये यूनियन यहाँ पे सब ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स यूनियन ऑफ टू यूनिट सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी सब ग्रुप। तो यूनियन कब सब ग्रुप हो सकता है? यूनियन भी सब ग्रुप होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एच सबसेट ऑफ के और के सबसेट ऑफ एच। सो इफ यू कंसिडर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप देन देयर यूनियन इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप if one subgroup is contained in other and or other contained in the first one, that is H is a subset of K or K is a subset of H, only then we can say that H union K is a subgroup. Clear statement हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे proof करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Next problem पे चले आते हैं, center of a group, ये problem का statement है, center of a group कहते हैं इस group को, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो, let G not be a group and H be a subset of G defined by H equal to X belongs to G, X not G equal to G not X for all G belongs to capital G। तो यहाँ पे H का formation क्या है? देखो, H का formation ये है कि सभी element जो group में है वो सभी element H के अंदर जाएगा। कौन सा element जाएगा? जो जो element group का सभी element के साथ commute करता है, ये commutativity property है ना, X not G equal to G not X। तो जो जो element X ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है वो सभी एलिमेंट कहां पे रहेगा? H के अंदर रहेगा। अगर X एक एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो H का सभी X कहां पे चला जाएगा? H के अंदर चला जाएगा। अगर A एक एलिमेंट है वो ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो A कहां पे चला जाएगा? H के अंदर चला जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है H नॉट एक सब ग्रुप होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पहले करते हैं। तो पहले हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए ये बात हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग अगर कोई सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं तो सबसेट को पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हम लोग सभी ऑल टाइम वी विल कंसिडर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड वी शो दैट दैट आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सबसेट, आफ्टर विच वी विल डिक्लेयर दैट द सबसेट इज नॉट ए एम्प्टी सेट, इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट। So that is the technique. Always we will do this. That is, we will consider the identity element of the group and we will show by some technique that identity element goes to the subset. Clear? Then it becomes the non-empty. तो यहाँ पे अगर हम लोग identity element को पकड़ते हैं, E belongs to G, तो हम लोग जानते हैं कि identity element के साथ कोई भी element तुम ले लो, उसको compose करो, तो वो क्या होता है? वो element को वापस करता है। That is E not G equal to G not E equal to G for all G belongs to capital G। तो यहाँ पे E सभी element के साथ commute हो रहा है तो E कहाँ पे चला जाएगा? H के अंदर चला जाएगा। जो भी element सभी element के साथ commute होगा G का वो H के अंदर जाता है, तो E belongs to H हो गया। Clear? Sorry। तो E belongs to H हो गया, तो H is non-empty subset of G। Clear? Now we consider two elements A comma B belongs to H। अभी देखो, हम लोग दो तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक होता है सिंगल स्टेप टेस्ट, जो मैंने तुम लोगों को बार बार कह रहा हूं, ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दूसरा होता है टू स्टेप टेस्ट, ये है ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए नॉट बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, एक होता है टू स्टेप टेस्ट, एक होता है सिंगल स्टेप टेस्ट। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए अगर हम लोग टू स्टेप टेस्ट लेंगे तो हम लोग को आसानी से ये आ जाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम लोग सिंगल स्टेप टेस्ट से ही उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू स्टेप टेस्ट को लेंगे। तो टू स्टेप टेस्ट में हम लोग को क्या क्या दिखाना पड़ता है, ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए नॉट बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच इंप्लाई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे शो करेंगे। देखो कैसे, तो मैंने दोनों एलिमेंट पकड़ा था यहां पे, ए बी बिलोंग्स टू एच। तो ए बी अगर एच का एलिमेंट है तो एच का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एच का प्रॉपर्टी क्या था? एच का प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर एच के अंदर है तो वो एलिमेंट ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो ए नॉट जी विल बी इक्वल टू जी नॉट ए, बी नॉट जी विल बी इक्वल टू जी नॉट बी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो a नॉट b को अगर h के अंदर रहना है तो a नॉट b नॉट g का वैल्यू क्या होना चाहिए, g नॉट a नॉट b होना चाहिए। तो a नॉट b अगर ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा, दैट इज a नॉट b नॉट g, दैट इज इक्वल टू g नॉट a नॉट b, देन वी कैन से दैट a नॉट b गोज टू h। तो टू स्टेप टेस्ट का जो पहला स्टेटमेंट था a बिलोंग्स टू h b बिलोंग्स टू h इंप्लाई a नॉट b बिलोंग्स टू h, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को क्या दिखाना है,
एच का कंडीशन हम लोग को दिखाना है ए नॉट बी को लेके, ठीक है। तो ए नॉट बी हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ए नॉट बी नॉट जी। अभी सोचो ए बी जी ये सभी कहां से आ रहा है, ग्रुप से आ रहा है ना, ए बी एच में है। तो एच क्या है, एच तो जी का सबसेट है। तो एच अगर जी का सबसेट है तो ए बी जी का ही एलिमेंट है। तो अगर वो जी का एलिमेंट है तो ग्रुप के ऊपर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है। तो यहां पे भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को बाहर छोड़ देते हैं, बी नॉट जी को अंदर लेते हैं। तो बी नॉट जी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, बी नॉट जी क्या हो जाएगा, जी नॉट बी होगा, तो दैट इज इक्वल टू जी नॉट बी। अभी ए नॉट जी को ले लो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से, अभी ए नॉट जी का वैल्यू क्या होता है, जी नॉट ए होता है, तो जी नॉट ए बिठा दो यहां से, ठीक है। यहां पे एक एक वैल्यू ले, उसको एसोसिएटिविटी अप्लाई करो और फिर उसका वैल्यू बिठा दो, तो जी नॉट ए आ जाता है। फिर से ब्रैकेट तो उसको हटा देते हैं और जी को बाहर लेके ए नॉट बी को अंदर ले लेते हैं। तो यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, ए नॉट बी इज कम्यूट विद जी, दैट इज ए नॉट बी नॉट जी हो रहा है यहां पे, और यहां पे जी नॉट ए नॉट बी हो रहा है। तो ए नॉट बी अगर जी के साथ कम्यूट कर रहा है तो ए नॉट बी कहां पे चला जाएगा, एच के अंदर। पहला कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन क्या था, ए अगर एच के अंदर है तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर रहना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए नॉट जी इक्वल टू जी नॉट ए, ठीक है, हम लोग जानते हैं ए नॉट जी इक्वल टू जी नॉट ए। बोथ साइड पे इनवर्स से कंपोज करेंगे, बोथ साइड पे ए इनवर्स से कंपोज करेंगे। कौन कर दिया यहाँ पे ए इनवर्स से कंपोज, अगर ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, ए नॉट ए इनवर्स एक साइड आ जाता है और जी नॉट ए इनवर्स रह जाएगा यहाँ से। यहाँ पे भी ए इनवर्स नॉट जी रहता है और राइट हैंड साइड पे ए नॉट ए इनवर्स रहेगा। ए इनवर्स नॉट ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट को कंपोज करोगे तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू जी नॉट ए इनवर्स। यहाँ पे भी क्या होगा, ए इनवर्स नॉट जी रहेगा और ए नॉट ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहां से ए इनवर्स नॉट जी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जी ए इनवर्स से क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो इफ जी इज कम्यूटिंग ए इनवर्स, दैट मीन्स ए इनवर्स गोज टू एच, सो बाई थियोरम टू वी कैन से दैट इज एच नॉट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप, और एच से इसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम को जेड जी से भी डिनोट करते हैं। तो जेड जी का मतलब ही होता है सेंटर ऑफ द ग्रुप। तो कहीं भी अगर एग्जाम में जेड जी लिखा हुआ है तो तुम लोग समझ जाओगे कि ये सेंटर ऑफ द ग्रुप का प्रॉब्लम है, ठीक है, यही प्रॉब्लम को हम लोग को करना है। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग समझ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सब ग्रुप का, जी बी एन एबिलियन ग्रुप। ग्रुप क्या है, एबिलियन है, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। प्रूव दैट द सबसेट एच इक्वल टू पी बिलोंग्स टू जी, पी इक्वल टू पी इनवर्स फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि पी अगर ग्रुप के अंदर है, जो जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर है वो एलिमेंट अगर खुद का सेल्फ इनवर्स हो रहा है, पी इक्वल टू पी इनवर्स, इसका मतलब ये है अगर कोई भी एलिमेंट खुद का इनवर्स है, खुद ही खुद का इनवर्स है, दैट इज द सेल्फ इनवर्स है, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन फिर से ग्रुप फॉर्म करेगा और वो ही होगा एक सब ग्रुप, ठीक है, ये है उसका प्रॉब्लम, ठीक है। तो एच के अंदर रहने का कंडीशन क्या है, पी इक्वल टू पी इनवर्स, अगर कोई भी एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स होता है तो वो कहां पे रहता है, एच के अंदर रहता है। तो पहले हम लोग को क्या दिखाना है, नॉन एम्प्टी दिखाना है। तो नॉन एम्प्टी के लिए मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी एलिमेंट को पकड़ो। तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है, तो ई इक्वल टू इनवर्स, तो ई का वैल्यू कहां पे चला गया, एच के अंदर चला गया। सो एच इज नॉट इक्वल टू फाइव, दैट इज एच इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो एच नॉन एम्प्टी हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल स्टेप टेस्ट से यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंगल स्टेप टेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, दोनों एलिमेंट पकड़ना है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, दोनों एलिमेंट यहां पे पकड़ा मैंने, तो ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, बी इक्वल टू बी इनवर्स हो जाएगा बाय द कंडीशन, दैट इज पी इक्वल टू पी इनवर्स, ठीक है। अभी ए बी इनवर्स, ए कंपोज बी इनवर्स हम लोग को दिखाना है ना। सिंगल स्टेप टेस्ट क्या था, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इंप्लाई ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहां पे नॉट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ए बी इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होता है, ए इनवर्स होता है, बी का वैल्यू क्या होता है, बी इनवर्स होता है, तो बी इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, बी होगा। तो ए बी इनवर्स का वैल्यू हो जाता है ए इनवर्स बी, ठीक है, ए इनवर्स बी हो जाता है। अभी देखो ग्रुप क्या है, ग्रुप तो एबिलियन है ना, तो ग्रुप अगर एबिलियन है तो ए इनवर्स बी का वैल्यू जो होगा, बी इंटू ए इनवर्स बी सेम होगा, तो बी इंटू ए इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं ग्रुप का एक प्रॉपर्टी था, जो ग्रुप का पहला क्लास में मैं उसको डिस्क्राइब किया है, ए नॉट बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स। होल इनवर्स अगर लेते हैं तो बैक साइड से इनवर्स आता है, ठीक है, तो बी ए इनवर्स कैसे आएगा, अगर ए बी इनवर्स का होल इनवर्स हम लोग लेंगे तो वो क्या करेगा, इसको अगर तोड़ देते हैं ए बी इनवर्स का होल इनवर्स, तो वो क्या होगा, बी इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का होल इनवर्स क्या होगा, बी होगा,
और ए इनवर्स यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए नॉट बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स नॉट ए इनवर्स होता है, वही प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्लियर। तो बी ए इनवर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ए बी इनवर्स था हमारा एलिमेंट और वो एलिमेंट उसका खुद का इनवर्स हो चुका है। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए बी इनवर्स का होल इनवर्स। तो जो भी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है वो एलिमेंट कहां पे रहता है, एच के अंदर रहता है। तो ए बी इनवर्स कहां पे रहेगा, एच के अंदर रहेगा। तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। सो विद दिस वीडियो लेक्चर द टॉपिक ऑफ द सब ग्रुप एंड्स। इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल गिव यू द नोट्स ऑन द साइक्लिक ग्रुप। सो स्टे विथ माई चैनल।